जीवन कोश पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा की मदद से कैसे आप घर पर ही अपना फेशियल रूटीन कर सकते हैं। तो फेशियल के लिए हम सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करेंगे और इसके लिए मैंने एक एलोवेरा लीफ ले ली है जिसमें से जेल मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एलोवेरा आप जितनी भी कोशिश करें निकालने की रह ही जाता है। तो इससे मैं अब बहुत हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए क्लीन कर लूँगी और इसके बाद हम स्क्रब करेंगे। अब सबसे पहले हमको एक बाउल लेना है, इसमें हम लेंगे करीब आधा चम्मच चावल का पाउडर। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं या फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही लेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल, इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से चला लिया है और एक बेहतरीन जेल फॉर्म में ये तैयार हो गया है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि स्क्रबर के लिए चीनी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है और चीनी को कभी भी आप साबुत यूज़ ना करें, उसे पीस लें, क्योंकि अक्सर चीनी साबुत आप जब स्क्रब करते हैं उससे तो आपकी स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, जलने लगता है, तो आप पीस कर इस्तेमाल करें। आप इसको अपने स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई करें स्लो मोशन में घुमाते हुए। चावल में ढेर सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रंग साफ़ करने में, रिंकल को दूर करने में ये एक बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। अब इसे जब तक ये हल्का हल्का सूख ना जाए तब तक हमें इसे सर्कुलर मोशन में बहुत धीमे धीमे हाथों से घुमाना है। इससे हमारे ब्लैक्स, वाइट हेड्स जितने होते हैं वो सब निकल जाते हैं। हफ्ते में एक दो बार आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे रब करते हुए, और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूखा हुआ आपको महसूस हो तो आप इसको धो लें या टिश्यू से साफ कर लें। तो स्क्रबिंग करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा सा फेस पैक लगाएं, क्योंकि जब हम स्क्रबिंग करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, तो स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और उन्हें बंद करने के लिए फेस पैक लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमने ले लिया है करीब 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदों की बात की जाए तो स्किन टाइटनिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए, स्किन एजिंग की जो दिक्कत होती है उसे दूर करता है। साथ ही हम ले रहे हैं 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे हमने पहले भी आपको तफसील से बता रखे हैं कि हमारी स्किन के लिए एलोवेरा जेल अमृत से कम नहीं होता। ढेर सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है एलोवेरा जेल में, तो इसे आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें किसी ना किसी लिहाज से। अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर गुलाब जल लिया था, इसको एक लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए फेस पैक को। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिला लें और कोशिश करें कि 5 मिनट इसे मिलाने के बाद रख दें ताकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और जो इसके ढेर सारे गुण हैं आपकी स्किन को भरपूर मिल सकें। और 5 मिनट के बाद हमारी जो मुल्तानी मिट्टी हमने भिगोई थी वो फूलना शुरू हो गई है, एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है, अच्छा सा फेस पैक बन गया है। अब इसे हम अपने हाथ पर अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह पूरे फेस पर आप ये फेस पैक अप्लाई कर लें और फेस पैक लगाने के बाद कभी भी बात ना करें, आराम से लेटे, इत्मीनान से, सुकून से, ताकि आपकी स्किन भी हील हो और जो भी प्रॉब्लम्स है इस फेस पैक को लगाने के बाद वो दूर हो जाए। तो सूखने तक इंतज़ार करें। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फेस पैक अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें या धो लें। इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसे साफ़ करने के लिए किसी भी तरह के फेस वॉश का या सोप का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब इसमें लगाएंगे ये मॉइस्चराइज़र जो कि हमने अपने एक DIY में बताया था। इसमें हमने एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल को शामिल करके बनाया था। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, डे क्रीम की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास करके गर्मियों के दिनों में।
तो ये मॉइस्चराइज़र हमने लगा लिया है। ये लगाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फेशियल के बाद आपकी स्किन को मॉइस्चर की हाइड्रेट होने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसको आप घर पर ज़रूर बनाएं, ज़रूर लगाएं और हमें ये ज़रूर बताएं कि आज का ये खास DIY आपको कैसा लगा। अगर ये आज की खास वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोच को।